नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हरियाणा में भाजपा के भीतर ऐसी बगावत, अभूतपूर्व बगावत, आउट ऑफ कंट्रोल है हालात। मंत्री, विधायक, अलग अलग मोर्चों के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष लगातार इस्तीफे। वो राहुल गांधी का खटाखट वाला फॉर्मूला अब तक कहीं दिखा नहीं था, हरियाणा में दिख रहा है खटाखट इस्तीफे। अगर कार्यकर्ताओं से नेताओं तक के इस्तीफे देखे जाएं तो अलग अलग लोगों से जो मेरी बात हुई, पिछले 20 घंटे के भीतर हजार से ऊपर इस्तीफे हो चुके हैं। और अब भाजपा में हालात बेकाबू हो चले। इन इस्तीफों की कहानी, कौन कौन इस्तीफे दिए हैं, किन किन नेताओं ने, मंत्रियों ने, विधायकों ने, पूर्व मंत्रियों ने, सब आपको दिखाएंगे, नाम के साथ बताएंगे। और एक बड़ा पैनल हरियाणा के चुनाव, वो पैनल जो लोग हरियाणा की सियासत की नब्ज को समझते हैं, वैद्य हैं, आप कह सकते हैं हरियाणा की सियासत के। ऐसे पत्रकार साथी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। मैं पहले पैनल को इंट्रोड्यूस कर दूं, फिर आपको ग्राफिक्स दिखाऊंगा, एक एक नाम बताऊं। हमारे साथ बलवंत तक्षक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अजय दीप लाठर जी हैं, हरियाणा की सियासत को बड़े करीब से देखे हैं, देखते हैं और समझते हैं। जगदीप सिंह सिंधु साहब हमारे साथ हैं, न्यूज लॉन्चर के परिवार के साथ अक्सर आप इनको देखते होंगे। अभी हमारे साथ कुछ ही पलों में रविंद्र सिंह सिवराण जुड़ रहे हैं, उनको भी आप देखते रहते हैं, हरियाणा की सियासत पर पल पल का अपडेट वो लाते रहते हैं। इस पैनल के साथ जो चर्चा करेंगे, पहले मैं शुरुआत करता हूं, मैं कहूंगा कंट्रोल रूम से कि वो ग्राफिक्स प्ले करें, जरा आपको दिखाते हैं हालात कितने बदतर हैं भाजपा के लिए हरियाणा में। हरियाणा बीजेपी में इस्तीफों की सुनामी है। कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया है। मंत्री हैं नायब सिंह सैनी सरकार में, इस्तीफा दे चुके हैं। सावित्री जिंदल, बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल, हिसार से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है उन्होंने। वो भी टिकट की लाइन में थी, लड्डू भी बंट चुके थे, नहीं मिला टिकट, निर्दलीय आने का ऐलान। प्रदेश उपाध्यक्ष जीएल शर्मा कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, ये खबर आ रही है जीएल शर्मा के बारे में। यानी संगठन, सरकार, सब बगावत चारों तरफ। पूर्व मंत्री विशंभर वाल्मीकि हैं, इस्तीफा दे चुके हैं विशंभर वाल्मीकि जी भी। इसके अलावा आप आगे बढ़ेंगे, हिसार के पूर्व मेयर हैं गौतम सरदाना, गौतम सरदाना ने भी इस्तीफा दे दिया है। हिसार में भी भयानक बगावत की स्थिति है। आदित्य चौटाला ने भी भाजपा छोड़ दी है, भाजपा को अलविदा कह दिया है। व्यापार प्रकोष्ठ के भाजपा के जो प्रदेश के संयोजक थे नवीन गोयल, उन्होंने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मतलब व्यापार जो बनिया ब्राह्मण कहते हैं ना, ये दो भाजपा के, दोनों बगावत। पूर्व मंत्री कविता जैन स्टेज पर रोने लगी आज, इनके जगह पर कांग्रेस से आए हुए अभी हफ्ता भर पहले आए, उनको टिकट पकड़ा दिया। कविता जैन का टिकट कटने से नाराज दर्जन भर से अधिक पदाधिकारी, कार्यकर्ता नहीं पदाधिकारी, भाजपा इन्होंने छोड़ दिया, अलविदा कह दिया भाजपा को। पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य, उन्होंने जींद की सभी पांचों सीटों पर बीजेपी का हार जो है, हार होगी बीजेपी की, ये भविष्यवाणी अभी से कर दी है भाजपा के बारे में। भाजपा के पूर्वांचल प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक हैं संजय ठेकेदार, इन्होंने भी भाजपा को अलविदा कह दिया है, टाटा बाय बाय। तोसाम से दावेदार थे शशि परमार, इनका वीडियो भी मैं कहूंगा कंट्रोल रूम से अटैच कर ले, वो भी दिखाएंगे। ये फूट फूट कर रो रहे हैं, मतलब इनकी तो स्थिति में देखा तो ऐसी स्थिति मैंने देखी नहीं थी भाजपा में। मुलाना में टिकट कटने के बाद राजवीर बराड़ा, ये इनके समर्थक सब के सब गुस्से में हैं, ये भी जो है बागी तेवर अख्तियार किए हुए हैं। समालखा से बीजेपी नेता शशिकांत कौशिक हैं, ये जेजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। दुष्यंत चौटाला के लिए खुशखबरी है, कम से कम इसी बहाने उनको एक मिल गया नेता। ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री हैं कर्णदेव कंबोज, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। गिनते जाइए आप लोग, गिनती करिए, ये बड़े नाम अभी सिर्फ आ रहे हैं। दादरी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं विकास उर्फ भल्ले, इन्होंने भी भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। इसके आगे की कहानी अभी आपकी स्क्रीन पर और आएगी। दरतिया से बीजेपी के विधायक है लक्ष्मण नापा, ये भाजपा को सबसे पहले जिन्होंने अलविदा कहा था उन नामों में से एक है, सूची आने के तुरंत बाद इस्तीफा जो है भेज दिया। युवा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और विधानसभा चुनाव प्रभारी अमित जैन,
इन्होंने भी इस्तीफा दिया और नाम पे भी गौर कीजिएगा, मैं कहा था बनिया ब्राह्मण, वो देखिए इस्तीफे में आपको दिखेंगे वही इस्तीफा दे रहे हैं। बीजेपी नेता शमशेर गिल, इन्होंने भी इस्तीफा दिया। हालांकि यहाँ पर पूरी तरह समाजवाद है, हर जाति वर्ग के लोग इस्तीफा दे रहे हैं। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर मांडी, इन्होंने भी भाजपा को अलविदा कह दिया, छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया है। हिसार से बीजेपी नेता दर्शन गिरी महाराज, ये भी इस्तीफा दे दिए, दर्शन गिरी महाराज भी। वरिष्ठ नेत्री हैं सीमा गैबीपुर, इन्होंने भी बीजेपी छोड़ दी, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है भाजपा से। दीपक हुड्डा को टिकट दिए जाने से नाराज बीजेपी रोहतक कार्यकारिणी ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया, सबके सब, कोई अलग अलग वाला काम नहीं भाई, एक साथ काम निपटाओ। श्रुति चौधरी को टिकट दिए जाने से नाराज शशि रंजन परमार ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिनके बारे में कह रहा था कि उनका वीडियो बड़ा ही मार्मिक है, वो भले ही भाजपा के हो, नेता नेता है और हम लोग किसी पार्टी के लिए, ऐसा तो है नहीं कि भाजपा का ही विरोध करना है हमें उसलिए बैठे हैं, लेकिन वो वीडियो कहा था, एक बार वीडियो भी दिखाई देते हैं, कंट्रोल रूम से कहूंगा वीडियो अगर अटैच हो गया हो तो दिखा दीजिए। कहना पड़ता है भाई, तसल्ली रखो, बात बनेगी, चिंता ना करो, जल्दी हमारा लिस्ट में नाम आएगा। मुझे आश्वासन देना पड़ता है कि टिकट की बात बनेगी और उनकी मत बनानी पड़ती, तो मैं क्या करूं, मैं भी ऐसा हूं। पिताजी आप हौसला रखें, आपका हौसले के ऊपर तो अलका कायम है और आपका वो आपके हौसले के ऊपर तो अलका चल रहा है। पिताजी आज आप ऐसे टूट जाएंगे तो पिताजी कैसे काम चलेगा, आपका कार्यकर्ता होगा पिताजी, ये 56,000 वोटो लेने वाला व्यक्ति आज टूट जाएगा तो उन लोगों को क्या होगा पिताजी। मैंने ईमानदारी से काम किया है और जिस तरह का मेरे साथ हो रहा है मुझे इसकी तकलीफ है। ये देखा आपने, और ये वही इलाका है तो शाम श्रुति चौधरी को जहां से टिकट मिला है, और देखिए श्रुति चौधरी की माता किरण चौधरी बंसीलाल की बहू, उनसे अभी मैंने इसमें जानकारी में आया कि कल ही पत्रकारों ने किसी ने पूछा उनसे कि भाजपा ने आपको क्या दायित्व दिया, क्या कहा है, तो उनका है कि भाजपा ने कहा आराम करो, आराम करो, रोने के लिए तो शशि परमार जैसे नेता ही है, रो रहे हैं फूट फूट करके। सबसे पहले मैं तक्षक साहब के पास चलूंगा, चंडीगढ़। तक्षक साहब, ये हालत आपने हरियाणा की सियासत को कई दशक देख लिया, ऐसी हालत देखी थी? इस सुनामी की आशंका मैंने पहले जताई थी, बहुत सारे लोग सहमत नहीं थे कि ये हालत होगी भाजपा की, क्योंकि वो भाजपा अब नहीं है, न अटल अडवाणी वाली भाजपा है और न मोदी और शाह के सिकंजे में मुट्ठी में कैद भाजपा है, अब ये 240 वाली भाजपा है, अब तो होगी बगावत और ये तो मुझे लगता है शुरुआत है। आपको क्या लग रहा है? मैं ये कह रहा था आशीष जी, आपने जो लिस्ट दिखाई है उसमें एक नाम छूट गया आपका, महम से शमशेर से खड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया था, चुनाव हार गए और उनकी टिकट कटी, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। और बगावत के हालात ये हैं कि कविता जैन रोते हुए अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कुछ बोल रही थी तो उनके पास पार्टी का मैसेज आया कि आप दिल्ली पहुंचिए, मुख्यमंत्री को कहा गया कि आप दिल्ली पहुंचिए, जो भाजपा की एक सहयोगी पार्टी है जिसके एक विधायक है गोपाल कांडा, उनको कहा गया कि आप दिल्ली पहुंचिए। ये गोपाल कांडा साहब वही हैं जिनको भाजपा ने सरकार बनाते वक्त ये कहा था कि हमें इनके समर्थन की जरूरत नहीं है, और आज हालात ये आ गए आशीष जी कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ गठबंधन कर रही है, गठबंधन में उम्मीदवारों की घोषणा होने से पहले गोपाल कांडा के भाई खुद उम्मीदवार कर देते हैं, कहते हैं और सिंह चौटाला जो भाजपा में तुरंत शामिल हुए, भाजपा ने उनको टिकट दिया, लोकसभा चुनाव हिसार से हारे, हारने के बाद भाजपा ने कहा कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, रानिया से हम टिकट नहीं देंगे, और रंजीत सिंह चौटाला ने साफ कर दिया है कि चुनाव तो रानिया से ही लड़ेंगे, चाहे किसी पार्टी से लड़ें चाहे निर्दलीय के तौर पर लड़ें। और सबसे बड़ी बात यह है कि चौधरी देवीलाल के चौथे बेटे थे जगदीश, जिनको बहुत कम लोग जानते होंगे, उनके बेटे आदित्य चौटाला जो पिछली बार डबवाली से भाजपा के टिकट पर लड़े थे, भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको
हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन बना के रखा था, पिछले दिनों उन्होंने एक बयान दिया था कि जो पुलिस है सिरसा जिले की, उसमें डी कंपनी है, ये पैसे लूटने के केंद्र हैं, थाने टॉर्चर केंद्र हैं, इस तरह का उन्होंने जब बयान दिया तो भाजपा ने कहा कि आप ये हमारी सरकार की स्थिति खराब करने पे क्यों लगे हुए हैं, आप इस तरह के बयान भविष्य में ना दें। और उसका खामियाजा उनको ये भुगतना पड़ा है कि उनकी टिकट काट दी है। दूसरी तरफ नरबीर सिंह, मैं आपको आशीष जी ये बताना चाहता हूँ, जब पार्टी कमजोर होती है तो कैसे कैसे लोग मैदान में आ जाते हैं। राव नरबीर सिंह जिनको पिछली बार टिकट काट दी गई बादशाहपुर से, उन्होंने कहा मुझे भाजपा टिकट दे तो दे, ना दे तो मैं कांग्रेस के टिकट पर लड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने ना केवल उनको टिकट दे दी बल्कि संजय सिंह की टिकट काट के उनके दोस्त ने तंवर उनको खड़ा कर दिया सोना से, और सावित्री जिंदल के बेटे को बुला के नवीन जिंदल को टिकट दी कुरुक्षेत्र से। घोषणा उनके ज्वाइन करने के बाद हुई लेकिन टिकट देने का फैसला पहले ही हो गया था। अब उन्हीं की माँ सावित्री जिंदल पहले भाजपा की टिकट पर खड़ा होना चाहती थी, टिकट नहीं मिली तो अब उन्होंने कहा मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगी। और भारतीय जनता पार्टी के आशीष जी एक और खासियत यह है कि जो सबसे देर से पार्टी में आएगा उसको सबसे जल्दी टिकट मिलेगी। अभी अंबाला की मेयर शक्तिमान शर्मा 2 दिन पहले पार्टी में शामिल हुई, वहां लतिका शर्मा की टिकट काट के उनको कालका से टिकट दे दी गई है। इसी तरह राम कुमार गौतम जो नारनौंद से विधायक होते थे, जैसे पार्टी में शामिल हुई सफीदों से टिकट दे दी, और पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य ने इसीलिए पार्टी छोड़ दी है भाजपा। दूसरे अनूप धानक जो सबसे विश्वसनीय थे, यानी कि जेजेपी के 10 में से 7 विधायक चले गए, लेकिन अनूप धानक के जाने का सबसे ज्यादा दुख दुष्यंत चौटाला को है, क्योंकि उन्होंने राम कुमार गौतम को नाराज करके उनको मंत्रिमंडल में शामिल करवाया, उनको एक तरह से जैसे बच्चे को सिखाते हैं। मैं देखता था दुष्यंत चौटाला उनको बताते थे कि कामकाज किस तरह से करना है, आपको सारा काम उनको सिखाया, और 4.5 साल मंत्री रहने के बाद चुपचाप अलविदा कह के और भाजपा की टिकट ले आए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो किरण चौधरी जैसे ही शामिल हुई उनको राज्यसभा की टिकट दे दी, और उनके इस्तीफे से खाली हुई सीट पर उनकी बेटी को टिकट दे दी, और जो कविता जैन का परिवार पिछले 40 साल से 50 साल से भाजपा के साथ, आडवाणी जी अटल जी के साथ उनके परिवार के लोग थे बुजुर्ग, उनको एक चुनाव हारने के बाद दूसरी बार टिकट देने लायक नहीं समझा। और जिसको टिकट दी है वो कुछ दिन पहले भाजपा में शामिल हुए थे, जो सोनीपत के मेयर हैं, और जो जिनके टिकट काटे गए हैं आशीष जी, वो भाजपा के साथ रहने वाला समुदाय, वैश्य समुदाय, कितने बड़ियों के टिकट काट दिए मौजूदा सिटिंग एमएलए के। हरिद्वार से जो एमएलए थे गुप्ता जी उनकी टिकट काट दी, गुड़गांव से जो एमएलए थे सिंधा जी उनकी टिकट काट दी, अलवर से मंगला जी उनकी टिकट काट दी, सोनीपत से कविता जैन की टिकट काट दी, सावित्री जिंदल को टिकट नहीं दी। मुझे ऐसा लगता है कि उनको शायद पार्टी को ऐसा कुछ एहसास है कि अरविंद केजरीवाल चूंकि हरियाणा के हैं, भिवानी में शिवानी क्षेत्र के रहने वाले हैं, गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद हैं, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल जो दौरे कर रही है हरियाणा के, तो कह रही है मेरे पति आपके हरियाणा के बेटे हैं, मैं हरियाणा की बहू हूँ, तो वैश्य समुदाय के मतदाताओं में शायद इसका कुछ हो सकता है अंदर खाने असर हो, क्योंकि वैश्य समुदाय बहुत समझदार लोग हैं, ये बोलते कम है, अंत में फैसला करते हैं, तो उनको लगा होगा कि शायद ये समुदाय हमारे साथ नहीं है, ऐसे में इनकी टिकट काट के दूसरे लोगों को दे दी गई है। तो बगावत का जो सिलसिला आपने दिखाया है, अभी 23 सीटें बाकी हैं, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं आशीष जी, लगातार चलेगा। और भाजपा की स्थिति मुझे लगता है कि जब कोई पार्टी सत्ता में आती नहीं दिखती है तो उसमें बगावत की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, और हम देख ही रहे हैं कि कल रात को लिस्ट आई 67 उम्मीदवारों की, और फिर इस्तीफों की लाइन लग गई, जो 23 सीटें बची हैं उनकी घोषणा के बाद हो सकता है बगावत की संभावनाएं और बढ़ जाए। बिल्कुल, और मैं कहूंगा कंट्रोल रूम से जरा ग्राफिक्स हटा करके, और एक बार कविता जैन, बीच में हमने फोटो दिखाया था, कविता जैन को दिखाइए, 50 साल मैंने यही देखा, इन्होंने कहा मंच से कि 50 साल पार्टी की सेवा, और तक्षक साहब ने भी कहा पार्टी की सेवा की है, और 50 साल बाद ये देखिए नतीजा क्या हुआ है। ये है नई भाजपा, सर्वशक्तिमान शक्तिशाली भाजपा, दुनिया की सबसे बबड़ी पार्टी, हर जिले में जिसका 3-स्टार 5-स्टार दफ्तर खुला है, ये नई वाली भाजपा है, जिसमें 40 साल 50 साल दरी उठाने बिछाने के बाद और झंडा डंडा उठाने के बाद आपको रुमाल आखिर में उठाना पड़ेगा, और रुमाल भी थोड़ा बड़ा, बड़ी रुमाल होनी चाहिए, क्योंकि आंसुओं में भीग जाएगी तो रुमाल का साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए।
रोना पड़ेगा, इतना आंसू आपके बहेंगे कि रुमाल की साइज तो आपको बड़ी रखनी ही पड़ेगी। मैं अजय दीप जी के पास चलता हूँ। अजय दीप जी, अभी तो तक्षक साहब ने कहा कि 23 सीटों पर जब ऐलान होगा तब बगावत और बढ़ेगी। मुझे लग रहा है, ये मतलब एक आशंका है, कि अभी 67 पर ही अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी मैंने एक भाषण सुना था सोनीपत में नायब सिंह सैनी का, जिसमें सिर्फ खाली कुर्सियां थी और वो पूरे जोश से कुर्सियों के सामने भाषण दे रहे थे, पूरे जोश से। मतलब वो ऐतिहासिक भाषण था, वो अटल जी ने भी ऐसा भाषण नहीं दिया होगा। उस भाषण के लिए मैं कायल हो गया कि खाली कुर्सियों को इतने जोशो खरोश से कोई भाषण दे रहा हो, पहली बार देखा था मैंने। तो उसमें नायब सिंह सैनी ने एक लाइन कही थी, मुझे याद आ गई। उन्होंने कहा अभी तो ये ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है कांग्रेस वालों। तो मैं बड़ा चौंका भाई कि अभी 200 लोग हैं, क्या ये 200 भी भगाओगे, खाली कुर्सी रहेंगे फिल्म में? तो वो मैं समझ पाया अब कि वो ट्रेलर था खाली कुर्सियां, अब ये कुर्सी जब फेंकेंगे एक दूसरे पर तब फिल्म रिलीज होगी। अभी मुझे लगता है कि उस ट्रेलर, अभी भी ये ट्रेलर, ये फिल्म अभी बाकी है अभी भाजपा में। और अभी तो ये रोना धोना है, इसके बाद अब जूतम पैजार की मुझे आशंका है। आपको क्या लगता है? अशीष जी बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम जाहिर फरमाया है कि अभी ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। देखिए 2019 के चुनाव में भाजपा ने एक नारा दिया 75 पार, और उसके बाद सिमटे कहां आके 40 पे। तब भी उतनी जूतम पजार नजर नहीं आई जितनी अब। जब हम सब लोगों को लगता है कि इस बार भाजपा कहीं है ही नहीं, और उसके बावजूद इतनी भगदड़ जो है, और शाम से जैसे ही लिस्ट आई, मतलब लोगों ने ऐसा लगा कि कुछ लोगों के पास तो लेटर हेड भी नहीं थे, उन लोगों ने बाकायदा लाइनदार कागज, यानी हिंदी लिखने वाली जो कापी के कागज होते हैं, उसके ऊपर अपने हाथ से त्याग पत्र लिखा है। मतलब वो कितना पीड़ादायक होगा उन लोगों के लिए कि जो पार्टी की सेवा करते रहे और अंततः उनकी अनदेखी हुई। फिर उन लोगों को ये लगता है कि टिकट देने के लिए कमेटी की मीटिंग चल रही है, सीईसी की मीटिंग चल रही है, और कभी स्टेट बॉडी की मीटिंग चल रही है, कभी प्रभारी के साथ मीटिंग चल रही है। तो वो लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि ये मीटिंगें केवल चाय पकौड़े खाने के लिए थी, कैंडिडेटों के नाम फाइनल करने के लिए नहीं थी। क्योंकि 67 में से या तो वो लोग नजर आए जिनके परिवार से कोई ना कोई पहले से राजनीति में है, या फिर वो लोग नजर आए जो जुमा जुमा एक दिन, दो दिन, चार दिन, एक सप्ताह पहले, पांच दिन पहले भाजपा को ज्वाइन करते हैं और तुरंत अपने हाथ में टिकट को लहराते हुए आते हैं। मतलब आप देखिए कि कितना, किसी पार्टी में, मैंने कम से कम 25 साल की पत्रकारिता में ऐसा किसी भी पार्टी में माहौल नहीं देखा कि जब टिकट अनाउंस होते ही धड़ाधड़ एक के बाद एक, केवल प्रकोष्ठ के लोग नहीं है, केवल कार्यकर्ता नहीं है, देश की सबसे अमीर महिला को ये कहना पड़ता है कि मैं अभी भाजपा की सदस्य नहीं हूं और मैं चुनाव लड़ूंगी। मतलब उन्होंने आज सार्वजनिक तौर पे ये कहा है, अपनी पीड़ा दिखाई है। वो देश की सबसे अमीर महिला है, उनका बेटा भाजपा से सांसद है। मतलब सोच के देखिए कि कितना, और जिन हलकों में मैं आपको बताऊं, कुछ हलके ऐसे हैं जिनमें भाजपा आज तक नहीं जीती, यानी जब कोई उनकी टिकट पकड़ने के लिए कोई नहीं होता था तो लोग पार्टी का नाम जिंदा रखने के लिए चुनाव लड़ते थे, और इस बार उन्हें उम्मीद थी कि चलो कम से कम अपने हलके में अपना रुतबा रहेगा, हार जीत एक अलग चीज है, टिकट तो मिलेगी। मतलब ऐसे लोगों की भी टिकट काट दी गई है, उन्हें भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, तो वो भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मतलब एक ये जो सिनेरियो पिछले 20 घंटे में हमने देखा है, ये अगर अगली 23 टिकट या पूरी पूरी 90 सीटें भाजपा तुरंत जारी करती तो शायद ये बड़ा एक विस्फोट होता, एक बड़ा, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि सुनामी, इस्तीफों की सुनामी बोलूंगा मैं इसे, कि इस्तीफों की सुनामी होती। और बाकी अभी आपने कहा इस्तीफों की सुनामी, इसलिए हमने लिखा इस्तीफों की सुनामी। सिंधु साहब, आपको भी चर्चा में लाए, जरूरी है इसलिए समझना, आप ये इस विषय पे समझना कि अभी लाठर साहब ने कहा कि 25 साल की पत्रकारिता में हमने देखा नहीं कभी ऐसा। देखिए, हमने
भाजपा के भीतर तो कभी नहीं देखा था, कांग्रेस के भीतर बगावत आम मानी जाती है। अभी टिकट आएगा तो ऐसा नहीं वहां नहीं होगा, कांग्रेस में है ये, इसको चाहे आप कांग्रेस में लिबर्टी कहिए, चाहे वहां के लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक सिस्टम को कहिए, या वहां पर छत्रप इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं, वहां पर बगावतों का सिलसिला हमने शुरू से देखा है, आपस में भिड़ना लड़ना गुटबाजी। ये भाजपा है, इस भाजपा में अटल अडवाणी के दौर में दिल्ली में कभी लाइन नहीं लगती थी, जिले से पहले नाम आता था प्रदेश संगठन में, प्रदेश संगठन से करीब करीब फाइनल हो जाता था और उसके बाद आता था यहां पे मुहर लग जाती थी। कांग्रेस में तो हमेशा से था 10 जनपद के बाहर, कांग्रेस दफ्तर के बाहर लोग पूरी सब्जी लेकर के आते थे, 7 दिन रुके रहते थे, बहुत सारे लोगों को देखा। तो कांग्रेस में तो ठीक है, कोई बात नहीं है, कांग्रेस में आदमी कल को कहेगा ना कि कांग्रेस में भी है, कांग्रेस में तो हम लोग देखे हैं नॉर्मल है। बीजेपी में क्या कभी आपने किसी प्रदेश में, हमने देखा था मध्य प्रदेश में खूब पुतले फूंके गए थे, यहाँ तक कि भूपेंद्र यादव गए, उनके एक सिक्योरिटी वाले को तो कॉलर वॉलर पकड़ने की नौबत आ गई। लेकिन हरियाणा में तमाम लोगों ने कहा कि हरियाणा में ऐसा नहीं हो सकता, हरियाणा में बीजेपी में किसी में इतना रीढ़ में हट वही नहीं है, रीढ़ ही नहीं सीधी है कि बगावत कर सके। इस बगावत का अंत आप कहां देख रहे हैं? अंत ये तो शुरुआत है आशीष जी। अभी ये जो जितने भी अभी हो रहे हैं ये इस्तीफे, इन इस्तीफों के आगे क्या होने वाला है या इनके पीछे क्या है वो अभी कोई नहीं देख रहा। अभी सिर्फ इस्तीफे देखे जा रहे हैं, त्याग पत्र देखे जा रहे हैं और बगावत देखी जा रही। इस बगावत का जो लावा है ये भारतीय जनता पार्टी को कैसे निगल जाएगा इस हरियाणा की धरती में, ये चुनाव परिणाम में आप स्पष्ट तौर पे कुछ ही दिनों में देख ले। ये सारी की सारी जो स्थिति है ये क्यों हुई, इसका कारण भी जानना बहुत आवश्यक है। 9.5 साल भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से मनोहर लाल खट्टर का एक छत्र राज था, जिस प्रकार मनोहर लाल खट्टर ने वहां राजनीति को तय किया, जैसे उन्होंने बिसात बिछाई, ये उसका एक बहुत बड़ा प्रणाम है, प्रमाण है कि ये भारतीय जनता पार्टी आज इस मुहाने पे आन खड़ी हुई। और ये जो प्रदेश का नेतृत्व है, जिस तरह से एकाधिकारवाद उस प्रदेश के नेतृत्व ने वहां बनाया था हरियाणा में, ठीक इसी प्रकार का एकाधिकारवाद नेतृत्व केंद्र में बना हुआ था। और आप देखिए कि मनोहर लाल खट्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चॉइस थे, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि अब प्रदेश से जो एक संकेत उभर रहा है उस संकेत के क्या मायने आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकते हैं। क्योंकि अन्य राज्यों में भी जो चुनाव होने हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर शामिल है, जिसमें झारखंड है, जिसमें महाराष्ट्र है, स्थितियां वहां तक भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से परेशान करेंगी, इसके अंदाजे आज हरियाणा की धरती से लगाए जा सकते हैं। जहां तक बात आती है कि इसका अंत कहाँ है, तो आपको शायद बहुत पहले मैंने प्रोग्राम में बता दिया था और कई चैनल्स में मैंने ये पहले ही बता दिया था कि भारतीय जनता पार्टी 15 सीटों से ऊपर शायद नहीं जा सकती, ऐसी स्थितियां बनी हुई है। और जिस तरह से ये इस्तीफों की झड़ी लगी है, और अभी 20 ही घंटे हुए हैं, अभी कुछ लोग विचार कर रहे होंगे और कुछ लोग अभी थोड़ा सब्र से काम लेंगे, लेकिन आप देखिएगा कि जैसे ही अगली सूची आती है उसके बाद जो अभी तक और अगली सूची के जो असंतुष्ट होंगे वो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए झड़ी लगेगी वो देखने वाली होगी। लेकिन इससे बढ़के एक और चीज है इसमें, वो है एक और पहलू, एक और पक्ष, कि जो लोगों ने इस्तीफे दिए हैं और जिन लोगों की, बहुत से लोगों की सीटें बदली गई, विधानसभाएं बदली गई, अब उनका किस तरह से संतुलन बनेगा, वो अपनी मूल सीट पे किस किस का कैसा संतुलन बनाएंगे, वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। और हमारे दर्शकों के लिए या प्रदेश के लोगों के लिए बड़ा रोचक होगा कि कौन किसको कैसे निपटा रहा है। आशीष जी, मैं यह बताना चाहता हूं कि अगर आप इस सूची को देखेंगे तो इसमें स्पष्ट दिखता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की अलग अलग लॉबी है, जिसमें एक लॉबी आरएसएस लॉबी है, एक लॉबी जो शाह लॉबी है, और एक लॉबी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वफादारों की लॉबी है,
कि तीनों लॉबियां अपनी खींचातान में, अपनी रस्साकशी में एक दूसरे को कैसे निपटाएंगी। इसका एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। हिसार के पास एक सीट है नलवा, नलवा सीट से रणबीर सिंह गंगवा वर्तमान में हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर है। वो अपनी सीट नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन उनकी सीट बदल दी गई, उनको बरवाला भेज दिया गया। बरवाला की सीट कैप्टन अभिमन्यु जो पूर्व वित्त मंत्री है वो लड़ना चाहते थे। अब जो हिसार की नलवा की सीट है उस पर कुलदीप बिश्नोई के समर्थक को कुलदीप बिश्नोई टिकट दिलाने में सफल हो गए। अब आप देखिए एक इक्वेशन यहां क्या है कि रणबीर गंगवा अपनी मूल सीट को क्यों छोड़ देंगे, अपनी मूल विधानसभा को क्यों छोड़ देंगे। उनका इशारा अपनी मूल विधानसभा में, उनका इशारा उनके समर्थकों के लिए एक बड़े मायने रखता है। तो वो कुलदीप बिश्नोई के समर्थक व्यक्ति को क्यों जीतने देंगे। इसी प्रकार जो पूर्व के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जो बरवाला लड़ना चाहते थे, वो अब यहां बरवाला में उनके जो समर्थक हैं, जो उन्होंने अपना आधार तैयार किया था, तो वो उनको इशारा करेंगे, तो वो रणवीर गंगा को वहां क्यों जीतने देना चाहेंगे। समझ गए कुल मिला के कि कैप्टन साहब गंगवा के लिए मुसीबत बढ़ाएंगे, गंगवा कुलदीप बिश्नोई के आदमी के लिए मुसीबत बढ़ाएंगे। मुसीबतों का तो पहाड़ टूट ही पड़ा है और रविंद्र सिंह सेवरान जी भी आ गए हैं। अब रविंद्र भाई, ये सारे हालात में अभी तक हमने बगावत पे चर्चा की, वो लिस्ट चल ही रही है बगल में, जरा अब इस पर चर्चा करनी जरूरी है कि चाणक्य कहाँ है। चाणक्य को तो विजय अभियान अंजाम तक पहुंचाना था, चंद्रगुप्त को जितवाना था, चाणक्य ने चंद्रगुप्त की सेना में ही युद्ध करवा दिया आपस में ही। चाणक्य कहाँ है, वो 10 साल तक बीजेपी को शीर्ष पर ले जाने वाले खट्टर कहाँ है। पिछले 20 घंटे में हरियाणा भाजपा में आप समझ लो आग लगी हुई है। कोई एक लोटा, इतने लोटे उस दिन लिया था, इतना लोटा इकट्ठा किया था जो है खट्टर साहब ने, अगर एक एक लोटा पानी लेके आते तो कुछ आग कुछ तो बुझती, वो भी लोटा लेके गायब है, चाणक्य भी गायब है और आग लगी हुई है, कहाँ है सब। आशीष भाई नमस्कार, अजय जी बलवंत साहब नमस्कार जी, बिल्कुल आपने सही बात बोली है सर, ये आग लगी पड़ी है और बीजेपी के जो आग बुझाने वाले यंत्र हैं वो सारे गायब हैं। दिल्ली में बैठे हैं एसी कमरों में, और एसी कमरों में बैठने का ही ये नतीजा है कि आज यहाँ पर आग लग गई। अगर जनता के बीच रहते तो इतना बुरा हाल नहीं होता, उनको कम से कम जमीनी रियलिटीज के असेसमेंट होती। अब देखिए मुख्यमंत्री साहब के देखिए किस तरह से बीजेपी ने अपने लोगों के साथ और उन समुदायों को जिन्होंने इनको वोट दिया, हो सकता है आप लोग ये बात पहले कर चुके हों, उनके साथ कैसे छल किया है। सबसे बड़े नेता ओबीसी समुदाय के पराए नायब सिंह सैनी, उनको भेज दिया कहां पर, लाडवा। लाडवा क्या है, जाट बहुल्य क्षेत्र है। अब उनको भेज दिया उसका मतलब ये नहीं कि वहां से उनके बारे में रिपोर्ट पॉजिटिव थी, रिपोर्ट इंटरनल सर्वे में वहां भी नेगेटिव थी, लेकिन और कोई सीट इससे भी ज्यादा नेगेटिव आ रही थी तो वहां पर भेज दिया। दूसरा जो ओबीसी का जो बड़े नेता थे वो कौन, करणदेव कंबोज, जो ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष थे उन बीजेपी के, उनकी टिकट काट दी गई। और इसी पे तो 11 सीटें दी है ओबीसी को, 40% आबादी बीजेपी के प्रवक्ता हर चैनल में बोलते हैं, ये 67 में से 11 क्या 40% होता है क्या भाई साहब, कैलकुलेटर देखना जरा, ये 11 सीटें इनको दी है। और तो ये तो जो वोट इनको डालता है उसके साथ भी छल है, कार्यकर्ता जो है उसके साथ छल किया है, जो दो दो दिन पहले जिन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया उनको तुरंत सीटें टिकटें दे दी गई हैं। और उसके बाद आइए सर आप राव इंद्रजीत के इलाके में, राव इंद्रजीत ने जो टिकटें दिलवाई हैं उनमें से दो टिकटों का चर्चा, दो टिकटें तो उनकी मर्जी के बिना मिल गई, एक तो ठसक से लेके आ गए राव नरवीर ऐसे बैठ के, है ना, धमकी से लेके आ गए चाणक्य जी से, तो एक तो वो लेके आ गए, दूसरी वो नहीं चाहते थे राव इंद्रजीत की उनको टिकट मिले, एक अभय सिंह यादव को नहीं चाहते थे मिले, अब एक टिकट उन्होंने जिनको दिलवाई है लक्ष्मण सिंह यादव, लक्ष्मण सिंह को उन्होंने दिलवा दी रेवाड़ी से, वो जो सिटिंग एमएलए थे कोसली से उनको दिलवा दी रेवाड़ी से, 5 साल वहां पर काम करते रहे, वहां पर दिलवाई एक कमजोर कैंडिडेट को अमित को। और उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि कांग्रेस पार्टी से वहां पर आएंगे राव इंद्रजीत के भाई, ताकि चौधर घर में ही रह जाए, अपने कार्यकर्ता हार जाए, उनके बीजेपी को नुकसान। रेवाड़ी में जो कैंडिडेट गया है वो रेवाड़ी के लिए नया है, रेवाड़ी में वहां पर जीतेंगे चिरंजीव राव, क्योंकि रेवाड़ी के जो वहां पर काम करने वाले जो उम्मीदवार थे
बीजेपी के बड़े नेता थे रणधीर कापड़ीवास, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे पिछली बार, उनको फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा इंडिपेंडेंट, वो बीजेपी के वोट काटेंगे। तो पार्टी के भीतर जो आपको बगावत दिख रही है उससे ज्यादा तो नीचे इन्होंने बिछा रखे हैं जो शतरंज की बिछाड़, उस बिछाड़ की तरफ भी अपना ध्यान अब हम लोग लेके जाएं। चारों तरफ हम लोगों को सर ये देखने को मिल रहा है बीजेपी का, और जिस तरह से बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप वो तो गायब है, प्रधानमंत्री महोदय को तो वक्त नहीं, वो अमेरिका तो जा रहे हैं लेकिन हरियाणा नहीं आ रहे हैं सर, बिल्कुल गुड़गांव बगल में है नहीं आ रहे हैं, तो चलो ठीक है वो तो माहिर हैं ऑनलाइन भाषण देने में सर, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए ऑनलाइन ही भाषण दे दो, वो भी नहीं दे पा रहे हैं सर। तो इसलिए बीजेपी के जो सेंट्रल लीडरशिप है उसने एक किस्म से अपने हाथ खींच लिए कि भाई अब खट्टर साहब आपने अगर बेड़ा गर्क किया है तो जिम्मेदारी भी लेने की मतलब आपको ही लेनी पड़ेगी, हम लोगों के ऊपर इसका ठीकरा मत फोड़ो, उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है। और बीजेपी की जो प्रदेश की लीडर है, प्रदेश का नेतृत्व है, उसने कभी आज तक काम ही नहीं किया तो उनके पैर अब जिम्मेदारी आ गई तो लड़खड़ा रहे हैं, लड़खड़ाने पर वो अपने कार्यकर्ताओं को संभाले, बाहर से आए व्यक्ति को टिकट दें, या फिर जो बगावती तेवर लोगों ने अख्तियार किए हैं इनके साथ वो वार्तालाप करें। और अभी चुनाव का पूरा कैंपेन बचा हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कोई चर्चा ही नहीं कर रहा कि भैया वो आएंगे कि नहीं आएंगे, पांच तारीख अभी तो वो जाएंगे अमेरिका, अमेरिका से पहले आने की तो संभावना है नहीं, उसके बाद कितना दिन का टाइम बचेगा, आज हम लोग 5 तारीख में बैठे हैं 28 दिन का वक्त बच गया है, सब कैंपेनिंग होगी उसके आखिरी दिन, 2 दिन तो कैंपेनिंग होती नहीं है, अब 28 दिन में कितने दिन तक कैंपेन कर पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं बीजेपी के बारे में, किसानों के हितैषी नहीं है, किसानों के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनकी टिकट काट दी, उनको भी टिकट नहीं दी, जब किसानों के किसान सबसे ज्यादा यहाँ पर धरने पर बैठे थे तो समन्वय करने के लिए किसानों का अध्यक्ष को भेजा जा रहा था, आज किसान अध्यक्ष की भी टिकट काट दी। और उसके बाद रणजीत सिंह चौटाला जिनको किसानों के सबसे बड़े नेता के बेटे के तौर पर पार्टी में लेके आया गया, आधे घंटे में टिकट का जुगाड़ करके लोकसभा का टिकट उनको पकड़ाया गया, आज उनसे भी दिक्कत हो गई, उनको भी टिकट नहीं दे रहे हैं। तो बीजेपी की जो पॉलिसी है सर वो बहुत, और बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको टिकट दी जा रही है, किरण चौधरी की बेटी को टिकट दी गई, आरती राव को टिकट दे दी गई, और एक कई लोग तो ऐसे हैं जो विधायक भी नहीं है, संजय कबलाना को टिकट दे दी गई, वो तो कभी विधायक भी नहीं बने, कम से कम वहां पर तो कॉम्प्रोमाइज ना करती बीजेपी, वहां तो किसी ऐसे व्यक्ति को दे देती जो पार्टी का मूल कार्यकर्ता रहा हो। संजय कबलाना कभी जेजेपी में रहे और कभी आईएनएलडी में रहे लेकिन लगातार बीजेपी के खिलाफ बोलते रहे, अभी जो लोग बीजेपी के खिलाफ बोलते रहे कम से कम उनको वहां से तो टिकट मत दो जहां से किसी और को दे सकते हो, या तो इतना बड़ा उनके पास बहुत बड़ा वोट बैंक हो, अगर वोट बैंक होता तो वो खुद ही चुनाव जीत जाते और तो ऐसे में अपने कार्यकर्ताओं को अकोमोडेट कर लेते, लेकिन बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी है मंत्रियों को टिकट काट रहे हैं, मंत्री और मंत्री भी कितना देखिए विरोध कर रहे हैं, पिछली बार ऐसा विरोध नहीं था। उसके बाद आइए खिलाड़ियों की बात, 3 खिलाड़ी थे तीनों को टिकट दी पिछली बार, इस बार तीनों को साफ कर दिया, तो किस तरह से लोग भरोसा कर पाएंगे कि ये पार्टी किसी के साथ है और उन्हीं के उनके लिए ठीक तरीके से काम कर पाएगी। ये तो यूज एंड थ्रो वाला काम कर रहे हैं कि अगर खिलाड़ियों की जरूरत है 2019 में उनको यूज करो, 24 में जरूरत नहीं तो उनको डंप कर दो। ठीक वैसी परिस्थितियां किसानों के साथ है, किसान को अध्यक्ष बनाया, जब तक आंदोलन चल रहा था तो उनसे वार्तालाप कराने के लिए वो आगे, अब जरूरत खत्म हो गई तो उनको डंप कर दो। इस तरीके की पूरी परिस्थितियां हरियाणा में बीजेपी के लिए बन रही है, और चाणक्य जी तो अभी देखिए मुझे लगता है कहीं और बिजी है। एक बड़ा महत्वपूर्ण है, मैं तक्षक साहब से छोटे छोटे 30-30 सेकंड के कमेंट लेकर के खत्म करेंगे चर्चा को। ये संतोष सारवान, ये बड़ा इस नाम पर विवाद क्यों पैदा हो गया है? जी मैं कह रहा हूँ कि संतोष सारवान जो है वो कांग्रेस में होती थी और सिरसा से चुनाव जीती, भजनलाल सरकार में वो मिनिस्टर रही, फिर बीजेपी में आ गई, बीजेपी ने उनको टिकट दिया, जीती, फिर हार गई वो, और अब चूंकि उस सीट से जो जिन्होंने इस्तीफा दिया है अभी आप जो दिखा रहे थे स्क्रीन पर, तो वो उनके पति जो है वो HCS अफसर होते थे, बेटा उनका AS अफसर है, उनके संतोष चौहान सारवान के पिता भी मिनिस्टर होते थे बंसीलाल सरकार में, तो एक राजनीतिक उनका पुराना बैकग्राउंड है और उनको टिकट दे दिया। लेकिन मैं अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी कभी दबाव को नहीं मानती थी, लेकिन इस चुनाव में कुलदीप बिश्नोई का दबाव भी काम आया, राव इंद्रजीत का दबाव भी काम आया, राव नरवीर का दबाव भी काम आया। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं करती, बाहर से जो लोग आते हैं वो टिकट ले जाते हैं और भाजपा भी शायद ये मानती है कि जिताऊ कैंडिडेट है। और तीसरी जो बात थी,
मूल भारतीय जनता पार्टी के लोग मैंने कभी बगावत करते नहीं देखे। जैसे ही भाजपा में इनेलो, लोकदल, जेजेपी और कांग्रेस के लोगों की एंट्री हुई है तो ये बगावत भी दिखाई देने लगी है, क्योंकि कांग्रेस में लगातार टांग खिंचाई का दौर चलता रहता है और लोकदल में भी आए गए, एमएलए बने, पार्टी छोड़ दी, बगावत कर गए, भाग गए। ये लोकदल और कांग्रेस की जो संस्कृति है वो भाजपा में घुस गई है और भाजपा को मूल कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का परिणाम मेरे ख्याल से दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे इस चुनाव में। तो कुल मिला के हालात बीजेपी के हक में नहीं है और लगातार खराब होने का अंदेशा है। जो अभी शौराणा साहब ने बताया कि तीन खिलाड़ी थे, तीनों खिलाड़ियों की टिकट काट दी। मैं मानता हूं कि योगेश्वर दत्त दो तीन चुनाव हार चुके थे इसलिए टिकट की दावेदारी बनती नहीं थी। फोगाट चुनाव हार गई थी, तीसरे नंबर पर रही थी, उनकी दावेदारी नहीं बनती थी। और जो हमारे संदीप सिंह खिलाड़ी जो तीन में से पिछली बार जीते थे, वो एक जूनियर कोच के साथ यौन शोषण के मामले में फंसे, अदालत में उन पर मामला चल रहा है और मैं समझता हूँ उनकी टिकट कटनी थी, कट भी गई है। लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो उनकी भी मुसीबतें बढ़ जाएंगी। और वो जूनियर कोच जो है अपने बयानों पर कायम है, पुलिस ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। तो हम मान सकते हैं कि जैसे ही सरकार बदलेगी संदीप सिंह की परेशानियों का दौर शुरू हो जाएगा। जी आशीष, कैसा? अभी तो संदीप सिंह की परेशानियां छोड़िए तक्षक साहब, अभी तो खट्टर साहब और अमित शाह की परेशानियां कम होने के नाम नहीं ले रहे। मैं एक बात और लाठन साहब से भी समझना चाहूंगा। कांग्रेस ने एक शिकायत की है, इस भगदड़ के बीच कांग्रेस भी परेशान करने से बाज नहीं आ रही है। वैसे ही भाजपा की परेशानी कम नहीं है, और उसमें कांग्रेस भी परेशानी बढ़ा रही है। ये मुलाना से संतोष सारवान आई है मैदान में और कांग्रेस कह रही है कि मुलाना से लगा हुआ जो इलाका है वहां पर डीसी है, जो है इनका पुत्र बेटा डीसी है वहां पर, तो जो है इनको लाभ पहुंचा सकता है। वैसे बात तो है जायज, तो क्या एक और एक तरफ बगावत और एक तरफ ये जो खेल था, ये बेसिकली मुझे तो लगता है खेल ही था। अगर डीसी है तो वहां से या तो चुनाव आयोग को हटाना चाहिए था या हटाए, तत्काल हटाए, सूची आते ही हटाए। लाठर साहब देखिए इसमें क्या है कि सुशील सारवान जो इनका बेटा है वो कुरुक्षेत्र जिले में डीसी है और मुलाना जो कांग्रेस के फिलहाल अंबाला लोकसभा से जो सांसद है वरुण चौधरी, वो उनका गृह इलाका है और वहां से ये पहले भी 2014 में एमएलए रही हैं, 2019 में ये हारी थी और अब इन्हें टिकट लेने में फिर कामयाब हुई है। तो कांग्रेस की जो शिकायत है वो फिलहाल एकदम जायज है। अब एक होता है नैतिकता, नैतिकता शब्द शायद अब खत्म हो चुका है। जब भी हरियाणा में बोर्ड एग्जाम होते हैं, दसवीं और बारहवीं के हरियाणा बोर्ड एग्जाम होते हैं, तो उसमें बाकायदा ड्यूटी देने वाला स्टाफ अगर उसका कोई ब्लड रिलेशन में उस एग्जाम सेंटर में परीक्षा देता है तो ड्यूटी देने वाला स्टाफ बोर्ड को लिख के देता है, जनाब यहाँ हमारा ऐसे ऐसे बेटा है, बेटी है, भतीजा है, वो एग्जाम दे रहा है, हमारी ड्यूटी यहां से हटा दीजिए। लेकिन अगर अभी तक चुनाव आयोग ने इस मामले पे ध्यान नहीं दिया है तो एक तो उन्हें ध्यान देना चाहिए और दूसरी चीज है नैतिकता। जब संतोष सारवान को टिकट मिला तो टिकट मिलते ही तुरंत चुनाव आयोग को या हरियाणा सरकार को, मुख्य सचिव को डीसी कुरुक्षेत्र द्वारा लिखा जाना चाहिए था कि अब मेरी माँ एक पार्टी की प्रत्याशी है और नैतिकता के आधार पर मैं आपको ये बात सूचित कर रहा हूं कि मुझे यहां से अन्यत्र कहीं तबादला कर दिया जाए। लेकिन देखिए नैतिकता तो अब है नहीं ना कहीं पे, तो इसलिए मेरा तो यही मानना है कि इस मामले पे बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए और जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनती है उसकी जांच करके वो संज्ञान चुनाव आयोग इस मामले पे ले। बिल्कुल आपने कहा नैतिकता, नैतिकता तो उसी कुरुक्षेत्र में लोटा इकट्ठा किया था खट्टर साहब ने, उसी एक लोटे में बंद है नैतिकता। और उसका फिर हरिद्वार में जहां पर मेडल विसर्जन करने गई थी सब पहलवान, वहीं पे उसका विसर्जन होगा लोटे में। लेकिन चलिए नैतिकता तो लोटे में जाएगी ही। जो कांग्रेस एम है, मैं फाइनल सवाल करूंगा शिवराण साहब से, कांग्रेस एम मैं बोलता हूं इसको, कांग्रेस मोदी। अब भाजपा कहां बची है, ये तो कांग्रेस एम है, कांग्रेस आई जैसे थी तो कांग्रेस एम है, तो कांग्रेस एम का भी विसर्जन करने जा रहे हैं क्या खट्टर साहब किसी लोटे में? क्योंकि स्थिति तो विसर्जन जैसी ही लग रही है, मुझे तो लग रही है, दूर बैठा हूं, आप लोग लगातार ग्राउंड को देख रहे हैं। फाइनल कमेंट्स। ये खट्टर साहब के तो 9.5 बरस का जो कार्यकाल रहा वो विसर्जन की तरफ लेके ही जाते रहे। उन्होंने तो कभी पार्टी के उत्थान में अपना योगदान दिया ही नहीं। उन्होंने जिस तरीके से काम किया
देखिए सर, समुदायों के बीच में वैमनस्य पैदा किया, विभाजनकारी नीति अपनाई, नौकरियां थी, अब देखिए नौकरियों के नियम बनाए और उसके बाद वो नौकरियां भर्ती नहीं हुई। 2021 में एक सीटी का एग्जाम हुआ था, आज तक भर्ती नहीं हुई, 2024 में हम लोग बैठे। उसके अलावा जो रोजगार के दूसरे साधन थे उसमें नौकरियां की वैकेंसी निकली नहीं है। तो किसानों के साथ उनका किस तरह का रहा वो हम सब ने देखा, और उनका जो पब्लिक बिहेवियर था, जनता के बीच में उनका जो संवाद होता था या जिस तरह से भी लोग उनसे मिलने जाते थे, वो एक बहुत ज्यादा एरोगेंट था। और इस तरह की एरोगेंस हरियाणा में तो आमतौर पर चलती नहीं है सर, लोगों को पसंद नहीं आती है, और मुझे लगता है पूरे देश में ही पसंद नहीं आती होगी। तो वो कई का खट्टर साहब मुख्यमंत्री तो जरूर रहे हैं भी, वो रोहतक के रहने वाले, लेकिन शायद आरएसएस के संस्कार जो हरियाणा के जो उनके संस्कार थे उसको ओवरपावर करने में कामयाब हो गए। अब वो इस तरीके से यहाँ के नेता घुल मिल जाते हैं यहाँ के जनता के साथ, ना तो खट्टर साहब घुल पाए ना उनके जो सिपह सालार यहाँ पर थे वो घुल मिल पाए, और उसी की वजह से बीजेपी की स्थिति यहाँ पर कमजोर होती हुई दिख रही है। देखिए हरियाणा में तो मैं बार बार कहता हूँ कि इस तरह के भी इंसिडेंट्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं कि रात को अगर 1 बजे 2 बजे भी मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गांव के कुछ लोग अगर एक पंचायत लेके आ गए, पता लगा कि आज भिवानी में या रोहतक में मुख्यमंत्री रात को रुके हैं और उस गांव के आसपास के लोग पंचायत लेके आ गए, तो मुख्यमंत्री 2 बजे भी उनसे मिल लेते थे। ऐसा नहीं होता था कि मुख्यमंत्री कह दें कि भाई सवेरे आना, या स्टाफ कह दे सवेरे आना आप मिलने के लिए, मुख्यमंत्री उनसे मिल लेते थे। लेकिन अब जो स्थिति है, अब चीफ मिनिस्टर या सरकार और जनता के बीच में जो गैप है वो लगातार बढ़ता चला गया, और उसी का ये ज्यादा नुकसान है कि अब जो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो मूल रूप से बीजेपी के कार्यकर्ता थे ही नहीं, लेकिन क्योंकि चुनाव में सरकार बन गई थी तो बीजेपी के साथ वो लोग जुड़ गए, आज वो लोग अपने अपने जगह पर वापस जा रहे हैं, और जिनको टिकटें दी हैं वो भी ऐसी स्थिति है, वो भी बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, अगर वो चुनाव हार गए तो कल उनको कांग्रेस में भी जाते हैं, हम लोग देखेंगे। चलिए, यानी कुल मिला जुला करके कथा समाप्त हुई। कथा जब कोई होता है, घर में पूजन होती है, कथा होता है, तो आखिर में पंडित जी जिन शुरुआत जब होती है, जब किसी भी आयोजन की, किसी भी कर्मकांड की, तो शुरुआत में जो पुजारी पंडित जी होते हैं वो सभी देवताओं का आह्वान करते हैं, बुलाते हैं उनको, और जब खत्म होता है तो सभी देवताओं को कहते हैं कि अपने अपने स्थान पर वापस चले जाइए, स्वगृह गच्छे, अपने अपने स्थान पर अपने अपने घर में विराजमान करिए देवता, हाथ जोड़ करके उनसे निवेदन करते हैं। अब वही स्थिति है, सत्ता के साथ जो लोग आए हुए थे, अब धीरे धीरे उनके सबसे जो है निवेदन किया जा रहा है कि जाइए अपने अपने, या बिना निवेदन के ही, वो देवता हैं उनको निवेदन करना पड़ता है, ये सब इंसान है, ये अपने आप ही अपना अपना ठिकाना फिर से चिन्हित कर रहे हैं और अपने अपने ठिकाने पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। यानी कुल मिला जुला करके अथ श्री भाजपा कथा, ये जो है हरियाणा की, अब अध्याय समाप्त हुआ। इस अध्याय के समाप्ति के साथ इस एपिसोड की भी समाप्ति करते हैं, फिर हम भी नया अध्याय शुरू करेंगे, तो सभी देवताओं का आह्वान करेंगे, उनमें रविंद्र सिंह सेवराण जी होंगे, अजय दीप लाठर जी होंगे और बलवंत तक्षक जी होंगे, फिर इनका आह्वान करेंगे और चर्चा खत्म होने के बाद इनसे कहेंगे कि स्वगृह अच्छे। इजाजत दीजिए आप सभी तीनों लोगों का, तीनों वरिष्ठ पत्रकारों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना वक्त आपने दिया हमें। न्यूज लॉन्चर आप सभी दर्शक देखते रहिए, नमस्कार।